सो गाइस सबको तो पता होगा जब से दोस्तों इंडिया के अंदर पबजी एंड फ्री फायर आ चुका है ना, तब से दोस्तों बैटल रॉयल गेम का क्रेज बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है एंड हर बंदा चाहता है कि एक बैटल रॉयल गेम खेलने के लिए। एंड गाइस आप में से काफ़ी सारे बंदे मुझे ये कमेंट करते हो कि भाई कुछ फ्री फायर की तरह बैटल रॉयल गेम लेकर आओ, काफ़ी सारे बंदे ये कमेंट करते हो कि भाई कुछ पबजी गेम की तरह बैटल रॉयल गेम लेकर आओ। ठीक है, तो गाइस फाइनली वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ टॉप 5 बेस्ट बैटल रॉयल गेम फॉर एंड्रॉयड इन 2022। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एंड तक देख सकते हो, सारे गेम का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जाके एक बच्चे का आउट कर लेना। एंड गाइस अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या ही कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, 20 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जो जो बंदे दिख रहे हो सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड गाइस आने वाले टाइम के अंदर और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। एंड अगर आपके रियल में कोई कॉमेंट आ रहा है कि मुझे इस तरीके से गेम चाहिए, मुझे इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर जो गेम आ रहा है इसका नाम है ओमेगा लेजेंड्स। तो सबको बता दूं ये जो गेम है ना कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है। एंड गाइस बिल्कुल फ्री फायर की तरह होने वाली है। देखो यहाँ पर जो प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, जो लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है, जो गेम प्ले आपको देखने को मिलता है, सारे के सारे चीज़ यहाँ पर फ्री फायर की तरह मिलते जुलते हैं। तो गाइस अगर आपको एक फ्री फायर गेम खेलना है, एक ऑल्टरनेटिव गेम खेलना है, तो भाई आप लोग इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हो, ये गेम काफ़ी मस्त होने वाली है। बात करते इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाली है 800 MB। ठीक है, गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है। यहाँ पर एक ओपन वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिल जाती है, जो कैरेक्टर मिलेगा उस कैरेक्टर को फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एंड गाइस बेसिकली आपको एक बैटल रॉयल गेम के अंदर जो कुछ भी होता है आपको बेसिकली कलेक्ट करना है, जो चीज़ होती है, जो रिसोर्सेज होती है उसको कलेक्ट करना है। एंड गाइस एनिमीज के साथ यहाँ पर फाइटिंग करना है, एंड गाइस आपको सर्वाइव करना है। ठीक है, तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होने वाली है, तो चाहो तो आप लोग इस गेम को भी एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गेम की थोड़ा ग्राफिक्स के बारे में। तो गाइस ग्राफिक्स यहाँ पर डिसेंट ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है, मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बुरा भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो ग्राफिक्स है वो ठीक ठाक लगता है। ठीक है, तो चाहो तो आप लोग इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो नंबर 4 पर जो गेम आ रही है इसका नाम है साइबर हंटर लाइट। दोस्तों जो गेम है ना ये काफी बढ़िया होने वाली है, काफी बड़ा एक ओपन वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस बिल्कुल पबजी की तरह गेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जो ग्राफिक्स है ना भाई कसम से यार बहुत ही कमाल की ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस ग्राफिक्स इतनी अच्छी है इसलिए भाई गेम का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा होने वाली है, 1.24 GB गेम का साइज होने वाली है। ये जो गेम है ना ये आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा, किसी थर्ड पार्टी ऐप से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके एक बच्चे का आउट जरूर कर लेना। ठीक है, बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड बैटल रॉयल गेम होने वाली है, एक बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिल जाती है। एंड जो कैरेक्टर मिलेगा ना उस कैरेक्टर को फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, एंड गाइस जो साउंड क्वालिटी है गेम का, जो मतलब गान का जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी बढ़िया सुनने को मिलेगा। बेसिकली जो एनिमीज वगैरह आएंगे उसके साथ आपको फाइटिंग करना जो एक बैटल रॉयल गेम के अंदर होता है, सब कुछ आपको इस गेम के अंदर को मिल जाती है। तो भाई लोग इस गेम को भी एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। तो नंबर 3 पर जो गेम आ रही है इसके नाम है फारलाइट 84। दोस्तों आपको पता होगा ये जो गेम है ना कुछ दिन पहले ईयरली एक्सेस पर आ चुका था प्ले स्टोर के अंदर, अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो भाई क्या ही कर रहे हो यार, अब भी जाओ ट्राई करो इस गेम को। मैं आपको बता रहा हूँ इस गेम के अंदर आपको काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ अजीब अजीब व्हीकल आपको देखने को मिलता है जो किसी भी बैटल रॉयल गेम के अंदर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी नॉर्मल जो व्हीकल होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो अलग अलग व्हीकल करना अलग अलग यहाँ पर स्किल वगैरह होती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पर बेसिकली फोर्टनाइट जो गेम होती है ना, तो फोर्टनाइट गेम की तरह ये जो गेम है होने वाली है। यहाँ पर आपको मिसाइल वगैरह देखने को मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट गन आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ जो ग्राफिक्स है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है, ईजी कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस जो बैटल रॉयल कॉन्सेप्ट होती है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बेसिकली आपको फाइटिंग करना होगा, जो एनिमीज आएंगे ऑनलाइन फाइटिंग गेम ये होने वाली है। ठीक है, तो चाहो तो आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। बात करते इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाली है 881 MB, गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है, चाहो तो इस गेम को आप ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। तो नंबर 2 पर जो गेम है इसके नाम है लॉस्ट लाइट। दोस्तों को पता होगा ये जो गेम है ना कुछ दिन पहले प्ले स्टोर पर आ चुका था ईयरली एक्सेस पर। ठीक है, लेकिन अभी अगर जाके आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर तो गाइस आपको ये जो गेम है नहीं देखने को मिलेगा। पता नहीं इंडिया के अंदर ये जो गेम है ना बैन हो चुका है, लेकिन अभी भी इस गेम को आप खेल सकते हो VPN कनेक्ट करके। जो गेम है भाई काफ़ी मस्त होने वाली, एक बार आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो गेम है ना पबजी को भी बीट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो ग्राफिक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पर अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है, बिल्कुल PC गेम की तरह ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप सिंगल प्लेयर के साथ भी खेल सकते हो,
स्क्वाड के भी साथ खेल सकते हो, मतलब मल्टीप्लेयर गेम तो होने वाली है जैसे कि पबजी के अंदर होता है सेम टू सेम, यहाँ पर भी होने वाली है। सारे के सारे गान आपको देखने को मिल जाएगा, जो कैरेक्टर मिलेगा उस कैरेक्टर को फुल कस्टमाइज भी कर सकते। बात करते गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाली है 2.3 GB। इस गेम का साइज बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए अगर आपके पास एक अच्छा खासा डिवाइस है तब जाके आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो गेम है ना ये मस्त होने वाली है, अगर आपके पास डिवाइस है अच्छा खासा तो आप लोग इस गेम को बिल्कुल भी भाई ट्राई एक बार करके देखो यार, आपको सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ठीक है, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। सो गाइस बात करते हैं नंबर वन गेम के बारे में। तो नंबर वन पर जो गेम है इसका नाम है एपिक्स लेजेंड मोबाइल। दोस्तों इस गेम के बारे में कौन नहीं जानता, दोस्तों आपको पता होगा ये जो गेम है ना पीसी पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, एंड पीसी के अंदर काफ़ी सारे बंदे इस गेम को ऑलरेडी खेल भी चुका है, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है यूट्यूब पर। ठीक है, एंड गाइस फाइनली ये जो गेम है ना मोबाइल पर आ चुका है, आप जाके यहाँ पर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप जाके उधर से एक बार चेकआउट जरूर करना। एंड गाइस ये जो गेम है ना इसके अंदर भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, जिस कैरेक्टर के अंदर अलग अलग स्किल वगैरह होती है। ऐसा नहीं है कि भाई सब कैरेक्टर के अंदर सेम स्किल होगा, अलग अलग कैरेक्टर के अंदर आपको अलग अलग स्किल आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पर आपको अलग अलग गान भी देखने को मिल जाएगा, रियलिस्टिक ग्राफिक्स होने वाली है, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर अल्ट्रा HD ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, 2.7 GB गेम का साइज होने वाली है। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लेयर खेलने को मिलेगा, पी वर्सेस पी शूटिंग गेम ये होने वाली है। बेसिकली यहाँ पर पी वर्सेस पी भी है, मतलब TDM करके कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्क्वाड मोड भी आपको देखने को मिलेगा जो कि पबजी के अंदर होता है। ठीक है, तो गाइस ये गेम बेसिकली APB मोड पर है एंड TPP मोड, दोनों मोड के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, तो दोनों मोड को यूज करके इस गेम को आप खेल सकते हो। तो काफी बढ़िया गेम है, चाहो तो इस गेम को ट्राई कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस होप कि आज की वीडियो को पसंद आ चुकी है, इस तरीके से वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड पे बेल बटन है उसको प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलो यार मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अच्छे रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।